गृह मंत्री अमित शाह का कोलकाता दौरा, भाजपा सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे। भारत बांग्लादेश सीमा पर नए यात्री टर्मिनल का भी उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का कोलकाता दौरा, भाजपा सदस्यता अभियान का शुभारंभ होगा और इसी के साथ भारत बांग्लादेश सीमा पर नए यात्री टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा। बड़ी खबर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का कोलकाता दौरा है और भाजपा सदस्यता अभियान का भी शुभारंभ होगा। जिस तरीके से लगातार समय समय पर तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग भाजपा की सदस्यता लें, भाजपा से जुड़ें, और साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा पर नए यात्री टर्मिनल का भी उद्घाटन है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, गृहमंत्री अमित शाह का यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिमी बंगाल के जो डेवलपमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि देखिए, भारत बांग्लादेश सीमा पर जो नया यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, इससे दोनों देशों के संबंध कैसे प्रगाढ़ होंगे, आने वाले समय में कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं, एक उम्मीद है। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश में वहां पे सत्ता बदलने के बाद तमाम तरह की बातें सामने आई और वहां पे जिस तरह से लगातार जो हिंदू बाहुल क्षेत्र थे या हिंदू लोगों के ऊपर जो अटैक हुआ, उसके बाद भारत सरकार जिस तरह से एक्टिव हुई और लगातार सरकार से वहां के संवाद की, उसके बाद तमाम चीजों को कंट्रोल किया गया। अब चूंकि नई सरकार है तो आने वाले समय में कैसे उनके साथ चलना है, क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, तो भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भूमिका में रहता है और सबको साथ लेकर चलने की बात की जाती है। भारत की ऐसी ही नीति है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में संबंध मधुर हो, इसको लेकर एक नया कहा जा सकता है लाइन खींचा जा रहा है और अपने तरफ से पहल की जा रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत हमेशा जो है अपने पड़ोसी देशों को समय समय पर सहायता भी देता रहा है, जिसमें बांग्लादेश हमेशा कहा जा सकता है कि हमेशा सहायता किया है भारत ने, तो एक तो यह बात है। दूसरी देखिए, पिछले दिनों कलकत्ता में जो घटना घटी थी वहां पर जो लेडी डॉक्टर के साथ उनका हत्या हो गया, उसके बाद तमाम जो डॉक्टर सड़क पे उतरे, जन आक्रोश देखने को मिला, तो आज उनके माता पिता से भी मिल सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह, जैसे की संभावना जताई जा रही है, जो जानकारी मिल रही है गृह मंत्रालय से कि गृह मंत्री का एक प्रोग्राम है कि उनके माता पिता परिवार के लोगों से मिलकर के सांत्वना दिया जाए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो देखिए, बहुत ही डेवलपमेंट वाले काम होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने विचारधारा को लेकर के लोगों को मैसेज कर रही है और अधिक से अधिक लोग जुड़े, इस पर ज्यादा फोकस है। मेंबरशिप चल रहा है देश भर में भारतीय जनता पार्टी का, तो इसका भी शुभारंभ करेंगे गृहमंत्री अमित शाह जी। ठीक है राजीव, आपने मेंबरशिप ड्राइव का शुभारंभ होगा और इसके साथ ही वहां पर संगठनात्मक बैठक भी ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर मैं कहा जा सकता है कि जो पश्चिम बंगाल है वहां पे भारतीय जनता पार्टी हर संभव अपने को मजबूत करने में लगी हुई है, क्योंकि आप देखिए, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी, लेकिन उस तरह से अभी अपना राजनीतिक जमीन भारतीय जनता पार्टी नहीं तैयार कर पाई है जैसा होना चाहिए। और यही वजह है कि देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, ये सभी लोग लगातार बंगाल पे फोकस किए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह से कमल खिलाने में सफलता हासिल करे। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहिए या जनसंघ के जो संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, बंगाल से थे, और उनका ही स्लोगन वो दो देश दो प्रधान का हमेशा विरोध करते थे, जम्मू कश्मीर को लेकर के शहीद हो गए थे, तो बीजेपी का स्लोगन ही है, नारा ही है, जहाँ वो दुर्दान मुखर्जी हो, कश्मीर हमारा है। तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जम्मू कश्मीर में तो हमने सफलता हासिल कर ली, लेकिन अब बंगाल की जो कर्म जन्मभूमि रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, वहां पर जब हम लोग कमल खिला लेंगे तभी हम लोग अपने मानेंगे कि हम लोग की जीत हुई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हर संभव पूरी तरह से लगी रहती है पश्चिम बंगाल में अपने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए, और आने वाले समय में इस तरह से बंगाल में अपना सत्ता स्थापित किया जाए, इस पर पूरा फोकस रहता है। और इसी क्रम में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके, मेंबरशिप दिलाया जा सके, इस पर फोकस है। और यही वजह है कि गृहमंत्री अमित शाह खुद जा रहे हैं बंगाल में जी। इसी के साथ राजीव, क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव में जो निराशाजनक प्रदर्शन हुआ उससे कार्यकर्ता भी जरा निराश हुए, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए, हार के बाद चाहे जो भी कार्यकर्ता होते हैं, खास करके देखिए, जीत पार्टी को कार्यकर्ता ही दिलाते हैं, नेता तो उनको लीड करता है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन ना हो, इसको लेकर के मैं पॉजिटिव मैसेज देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह का जाना और वहां पे लगातार जो बूथ लेवल के जो अध्यक्ष हैं, जो बूथ अध्यक्ष हैं, उनकी उनसे संवाद में रहना, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है मैसेज आता है गृह मंत्री अमित शाह का। और
गृह मंत्री अमित शाह को लोग सुनने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, इस बार इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल का ये जो दौरा है बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के नेता देख रहे हैं, और आने वाले समय में जो कहा जा सकता है कि यह दौरा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। क्योंकि देखिए हमेशा जो गृह मंत्री अमित शाह का जो मैसेज होता है बहुत ही सकारात्मक होता है, और ऐसे में जो जमीनी कार्यकर्ता है जो ब्लॉक स्तर पे बूथ स्तर पे जो लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, उनके लिए कहीं ना बहुत बड़ा एनर्जी का काम करता है। तो एक सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश होगी, और आने वाले समय में कैसे अधिक से अधिक पश्चिम बंगाल के लोगों को जोड़ा जाए भारतीय जनता पार्टी से, जो गांव के लोग, गांव के किसान हैं या जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, जो उद्यमी हैं, जो कामकाजी लोग हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए, अवेयर किया जाए, बीजेपी की विचारधाराओं से प्रभावित किया जाए, कैसे उनको बताया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से चर्चा भी करेंगे, और आने वाले समय में क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है इसलिए रोड मैप भी बनाया जाएगा। जी इसके अलावा देखिए राजीव, भाजपा का राष्ट्रव्यापी अभियान तो महात्मा गांधी की जो जयंती थी 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति पश्चिम बंगाल में रही, लेकिन अब जो आधिकारिक लॉन्च यहां से होगा अभियान का, तो उस पार्टी के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा जो वहां पर मुख्य तौर पर विपक्ष में है, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर संगठन और अपने आपस के झगड़ों से ही परेशान है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसका फायदा हो सकता है बीजेपी को मिलने। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने विजन के हिसाब से काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी का देखिए लगातार करीब देखा जाए तो 10 सालों से जो फोकस है बंगाल को लेकर के वो सारा देश दिख रहा है, और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए केंद्र में सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी का उस तरह से जनाधार पश्चिम बंगाल में नहीं था, वहां पे वामपंथी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ही में फाइट में रहती थी, लेकिन अब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा मजबूत हुई है, और आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ी है, इसका परफॉर्मेंस जो संगठनात्मक रूप से देखने को मिल रहा है, जनता जिस तरह से बीजेपी के विचारधारा से प्रभावित हो रही, जुड़ रही है, यह कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा पश्चिम बंगाल में। और बीजेपी भी इस बात को मानती है कि हम लोग आने वाले समय में मजबूत होंगे, और बीजेपी का देखिए यही एक लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल से आते हैं, और पश्चिम बंगाल में कमल खिलाना ही हम लोगों की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जिससे कि बीजेपी के नेता जब बैठते हैं, जब चर्चा करते हैं, तो इसलिए बीजेपी का सबसे बड़ा फोकस इस समय पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि हिंदी जो बेल्ट है देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिंदी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित कर रही है, जहां जहां उनका बीजेपी शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री है पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं, जो उन्होंने संकल्प पत्र में जो वादा किया था वो सब लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी का फोकस देखिए बंगाल और साउथ के राज्य हैं, तो सबसे ज्यादा फोकस अगर देखा जाए तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में, बंगाल में संगठनात्मक रूप से अपने को मजबूत किया जाए, और जब संगठन मजबूत रहेगा तो आने वाले समय में हम लोग चुनाव जीतने में सफल होंगे, बीजेपी नेताओं का यह कहना है। यही वजह है कि देखिए पूरी जिम्मेदारी खुद गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं पश्चिम बंगाल को लेकर के, जब भी कोई बड़ी बैठक होती है, जब भी वहां पर कोई दिशा निर्देश देना होता है नेताओं को, या पश्चिम बंगाल के जब नेता दिल्ली आते हैं तो उनके साथ मीटिंग जरूर करते हैं, तो पूरा फोकस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल को हम लोग कैसे जीते, तो आज उनका दौरा है और इसी वजह से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी अब बिल्कुल राजीव, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज भाजपा मेंबरशिप ड्राइव का भी शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता।